कल ट्वीट किया है और कहा है कि लखीमपुर का जो ये घटनाक्रम है उसको सिख और हिंदू से जोड़ा जा रहा है, क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? सही बात है, बीजेपी की राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह, अगर वो आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये किसानी का मुद्दा है, हिंदू सिख मुसलमान का मुद्दा है ही, और पूरा किसान कौम आज उबाल में है, दुखी है, उन पर वार किया सरकार। कल अंतिम अरदास में मैं भी पहुंचूंगा और हम सब की भावना वहाँ किसान परिवारों को। अब गिरफ्तारी हुई है तो क्या कहेंगे कि जांच जो है? 5 दिन बाद गिरफ्तारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लताड़ने के बाद। सरकार की मंशा साफ है, सरकार इसमें मंत्री का साथ देना चाहती है, मंत्री का बर्खास्तगी अभी तक नहीं हुई, अभी तक वह मोदी जी के चहेते हैं, इसी से साबित हो जाता है सरकार क्या चाहती है। जो दौर है तो उसमें ये सब होता है, चुनाव तो होते जाते रहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और चीन की तरफ से पहले भी अग्रेशन हुआ, सरकार का रुख कुछ नरम दिखा चीन की तरफ, लेकिन कहीं भी 1 इंच भी जमीन पे समझौता कोई भी देशवासी करना नहीं चाहेगा, तो सरकार इसमें सख्त रवैया अपनाएगी। क्या अब चुनाव आ गया है तो पैक्ट की बात चल रही है? पैक्ट की बात चल रही है, जब कोई एक चीज़ होंगी तय हो जाएंगी तब आपके बीच रखेंगे उन बातों। पूरे देश भर में कोयला खत्म हो गया है, उसको लेकर एक बात की जा रही है। कोयला खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, ईमान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म ही हो रहा है, ये क्या करें एक के बाद एक संकट है, दवाई खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। गांव में बिजली नहीं है, चोरों का आतंक है, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही है। अपराध तो यूपी में बढ़ रहे हैं और जिस निर्भीकता से अब डाका डालने वाले चोर जो हैं वे अपने अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून का जो डर होना चाहिए वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए आज हमने मीटिंग में जो घोषणा की है कि अगर हाई कोर्ट का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, जो कोर्ट्स में लंबित मामले हैं जो चलते रहते हैं दसियों साल, न्याय नहीं मिल पाता वादकारियों को, जल्दी दंड मिले, जल्दी न्याय मिले, तो कहीं ना कहीं ये कानून का एक सम्मान लोग करेंगे। अच्छा, जो आज गिरफ्तारी हुई है वहाँ उसके आशीष मिश्रा की नहीं, गिरफ्तारी हुई है या होटल के अंदर चेक इन किया उसने? 5 दिन बाद नोटिस उसके घर पे लगा रही पुलिस, गिरफ्तार तो किया नहीं, उठा के तो लेने गई पुलिस, वो तो खुद पहुंचे वहाँ। क्या होना चाहिए, क्या मान रहे हैं? देश के लोग इसे गलत निगाह से देख रहे हैं। अभी तक मंत्री परिषद में मंत्री क्यों बने हुए हैं? वो जो बार बार झूठे वादे दावे कर रहे थे कि पहले गाड़ी उल्टी, उसमें किसान मारे गए, फिर उपद्रव हुआ रहा था इसलिए जो है गाड़ी काबू में ऐसे बाहर आ गई, अब आप सबने वीडियो देख ली, किसानों पर वार किया है गाड़ी ने, गाड़ी पलटी बाद में। तो जो मंत्री झूठ बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करना चाहते हैं, और वो गृह मंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है, इसलिए तुरंत बर्खास्तगी उनकी होनी चाहिए। अच्छा, लखीमपुर की सोनिया मान जा रही थी, उन्हें भी जो जाने दिया गया है वो उन्होंने गाजीपुर। अब तो खोल देना चाहिए, और ख़ासतौर से क्योंकि अब एक सामाजिक क्रिया है, रीति रिवाज हैं, कल अंतिम अरदास है, तो लोग जाके मिलना चाहेंगे, और कोई इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है उनको इस तरह से रोकना नहीं चाहिए। आप भी पहुंच रहे हैं ना? मैं पहुंचूंगा।